देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,19,521 हो गई है। संक्रमण देश के 26 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 राज्यों में ही 86,000 से ज्यादा यानी कि 73% मरीज हैं। अकेले महाराष्ट्र में 41,642 संक्रमित हैं। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में मरने वालों का आंकड़ा 3,583 पर पहुंच चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 3 अप्रैल तक नए केस की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा था। ग्रोथ रेट 22.6% था, लेकिन इसके बाद इसमें कमी आना शुरू हुआ है। आज ग्रोथ रेट घटकर 5.5% हो गया है। ये देश के लिए राहत की बात है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि अभी ग्रोथ रेट में काफी कमी आई है। अगर उसी ग्रोथ रेट से मामले बढ़ते तो हालात गंभीर होते। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने बताया है कि देश में अब ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर फोकस किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से हर रोज 1,00,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। आज 1,57,016 लोगों का टेस्ट हुआ। अभी तक 27 लोगों की जांच देश में हो चुकी है। ICMR का कहना है कि देश में मौतों की रफ्तार में कमी हुई है। आंकड़े देखें तो 19 मई को देश में 3.13% की दर से मौतें हो रही थी और अब ये घटकर 3.0% हो गई है। दुनिया में अब तक 52,09,860 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 20,92,757 लोग ठीक हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 3,34,878 हो गया है। अमेरिका में गुरुवार को 25,294 नए मामले सामने आए और 1,263 लोगों की मौत हुई। देश में संक्रमितों की संख्या अब 16,20,000 से ज्यादा हो गई है। यहां अब तक 96,355 मौतें हुई हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया सरकार ने शुक्रवार को विदेशी क्रूज के अपने जल क्षेत्र में प्रवेश पर बैन 17 सितंबर तक बढ़ा दिया है। 17 मार्च को सिडनी में रुके रूबी प्रिंसेस क्रूज से संक्रमण बढ़ने के बाद ये बैन लगाया गया था। बांग्लादेश की बेक्सिमको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कोरोना की दवा बेचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। दवा की कीमत 5,300 रुपए है। कंपनी ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में इसे मुफ्त में दिया जाएगा। देश में 24 घंटे में 1,773 नए मामले सामने आए हैं और कुल मिलाकर अब तक 28,511 मरीज हैं। वहीं कोरोना का वैक्सीन बनाने में जुटे ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये इंसानों पर दूसरे चरण का ट्रायल जल्द शुरू करेगी। यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को बताया कि इस ट्रायल में 10,260 लोगों को शामिल किया जाएगा।